जय श्री राम भगवान की। क्षेत्र के साथ साथ पूरे धनबाद पूरे झारखंड प्रदेश के लोग जान रहा है कि ढुल्लू महतो गरीबों के सेवक है और हम सेवा के भावना से काम करते हैं। इसीलिए आज देखें आप लोगों ने हमें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी जो गरीब शोषित कमजोर का असली लड़ाई लड़ने वाले कोई नेता भी हमारे प्रति किसी तरह का आरोप नहीं लगा सकता है। ये मुख्यमंत्री सिर्फ यहाँ के दलाल गुंडा कोयला चोरों के बात पर लगकर हम पर लगातार 15 मुकदमा किया है। इसका पूरे लोग पूरे धनबाद के साथ साथ पूरे बाघमारा के साथ पूरे झारखंड के लोगों में आक्रोश व्यक्त कर रहा है। आने वाला समय जवाब इसको देगा। हाल क्या झूठा केस न्यायालय के द्वारा जब न्यायालय तक पहुंचा, उसका जो न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति हैं उनके द्वारा हमें बेल मिला है और निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार बनने के बाद लगातार 15 मुकदमा हम पर किया जो सरासर गलत है, झूठा है, बेबुनियाद है, कोई तथ्य नहीं है। उसके बाद लगातार हम समाज के बीच में, गरीब के बीच में, आदिवासी दलित कमज़ोर लोग के आवाज़ हम बनकर झारखंड विधानसभा में जो भी समस्या रहता था हम उठाते थे। अवैध उत्खनन के दौरान 300 आदिवासी हमारे घर के बगल में मरा। इस मामला को उठाने के परिणाम है कि हम पर लगातार 15 मुकदमा झूठा मुकदमा किया। हमने तो पहले भी कहा था कि CBI जाँच करे और यदि दोषी नहीं, अगर गलत है तो हमको सज़ा मिलना चाहिए, अगर सत्य है तो जो लोग इस तरह से अवैध माइनिंग के दौरान जो गरीब लोगों का जान लिया जा रहा है उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए।